दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे रावण की वो बातें। दोस्तों, पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रावण की सहज शक्ति की वजह से ही सीता जी की मर्यादा बची रही। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और यही कुछ रावण के साथ हुआ। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही बहुत से लोगों में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातों का वर्णन किया था जो आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। कड़वी हैं लेकिन सत्य हैं। स्त्रियों के बारे में रावण ने जो जो कहा है, आप अपने जीवन में उसे देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयों का वर्णन करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, रावण को इस दुनिया का ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन रावण भगवान शिव की आराधना नहीं किया करता था। लेकिन रावण के एक काम में उसे बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण कर उन्हें रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण ये भूल गया था कि जिस सीता का उसने अपहरण किया है वो दशरथ की पुत्र वधु है, जिनके लिए उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन दोस्तों, रावण एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें कही, जिनमें से उन्होंने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन भी किया। आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आपको किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण कर ऐसा नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने 8 बुरी आदतों का वर्णन किया। नंबर 1 पर रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियाँ साहसी होती हैं, लेकिन साहस का उपयोग स्त्रियाँ एक अवगुण के रूप में करती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियां कभी कभी साहसी होने के कारण से कुछ ऐसे कार्य कर जाती हैं जिससे उन्हें और उनके परिवार को बाद में पछताना पड़ता है। साहस अगर नुकसान में बदल जाए तो इसका बुरा प्रभाव भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए स्त्रियों का एक साहसी होना एक अवगुण के समान माना जाता है। दोस्तों, रावण ने ये बात स्त्रियों के बारे में इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को पता चला कि रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया है, तब मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिसकी वजह से मंदोदरी रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था, आप भगवान राम की पत्नी को वापस कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जब रावण ने कहा था कि तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना रावण की बहुत ही शर्मनाक बात है। इस वजह से रावण ने स्त्रियों का साहस का एक अवगुण के बारे में बताया। नंबर 2, अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर की भावना भी होती है, इसीलिए स्त्रियां इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वो कभी कभी छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं। इस डर से बचने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां इस भय के वजह से वो ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। इस वजह से स्त्रियां कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियां झूठ बोले बिना नहीं रह पाती। दोस्तों, इस बात को अपने जीवन में नोटिस भी किया होगा कि स्त्रियां बिना बात के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी रिश्ते और जिंदगियां तक खराब हो जाती हैं। दोस्तों, चौथा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं।
और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर किसी को अपनाना पड़े या फिर किसी को छोड़ना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं। रावण के अनुसार अगर स्त्रियों के अंदर बात करने का थोड़ा सा भी बदलाव दिखाई दे, खासकर तुमसे, तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम परिवर्तन दिखना इस बात का सबूत है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। इसीलिए स्त्रियों के रूप में रावण ने पांचवा अवगुण बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत ज्यादा चंचल होती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है वो उसे कभी भी बताती नहीं। ऊर्जावान से पूछा जाता है तब वो उसे बताती है, इस तरह परिवर्तित करती हैं जिसे समझ पाना आपके बस की बात नहीं। रावण के अनुसार स्त्रियों के मन में माया की झलक होती है। स्त्रियां किसी का भी मन आंखों ही आंखों में मोह सकती हैं और वो अपने हिसाब से उस इंसान को कठपुतली की तरह चला सकती है। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया था और इस बात को बेवकूफी बताया। स्त्रियों के सबसे बुरे अवगुण में से सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। स्त्रियों की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के कारण कई महान पुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों की ये आदत बिल्कुल भी नहीं जाती, इसीलिए जितना हो सके स्त्रियों की इस चंचलता से बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों नंबर 6। अब अगला अवगुण रावण ने बताया कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को आप समझते भी होंगे, और स्त्री अपने पेट में किसी भी बात को नहीं पचा सकती। रावण ने अपने प्राण त्यागते समय ये बात बताई थी कि स्त्रियां अपनी बात कभी भी सीमित नहीं रख सकती। चाहे आप स्त्री के कितने भी सगे क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी जरूर फोड़ देगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह फैला देगी। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों रावण सातवां अवगुण ये बताते हैं कि स्त्रियों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती। वो किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती हैं। रावण ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात मंदोदरी ने नहीं मानी। वो रावण की हर बात के खिलाफ रहती थी, इसीलिए महिला किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को खत्म कर लेती है। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने के लिए बहुत अच्छा महसूस करती हैं। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां कभी भी विवेकशील नहीं होती। और दोस्तों अब बात करते हैं स्त्रियों के आठवें और अंतिम अवगुण के बारे में। रावण के मुताबिक स्त्रियों में अवशोष जैसे गुण होते हैं, यानी कि स्त्रियां बहुत ज्यादा अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां भले ही अपने आप को सोने चांदी जेवरात से सजा लें, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध मानी जाती हैं। महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिस वजह से रावण ने बात बताई थी। रावण के बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसके लिए अपनी शक्तियों पर उसे बहुत घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बनता है। जानिए वो स्थान जहाँ होती है रावण की पूजा। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को लोग अपना दामाद मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मंदसौर में घर था, इसीलिए यहाँ के लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। रावण के पुतले की पूजा होती है। दोस्तों एक तरफ जहां पूरे देश में दशहरे की शाम रावण का दहन किया जाता है, मंदसौर में इस पुतले की पूजा होती है। वहीं मंदसौर की रूंडी में तो रावण की एक मूर्ति भी बनी हुई है जिसकी पूजा होती है। यहां लोग रावण को फूल माला चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। मंदसौर के अलावा कई और जगह भी हैं जहां रावण की पूजा होती है। भारत के अलावा और श्रीलंका में भी कई जगह रावण की पूजा होती है। अब दोस्तों वैसे तो स्त्रियों में बहुत ही अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये आठ अवगुण जो हमने आपको बताए, रावण ने जो बताए थे, जिन्हें सुनकर आप जान सकते हैं स्त्रियों के अंदर क्या क्या अवगुण पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते। कुछ तो रावण ने कितने अवगुण सही बताए, आपके मुताबिक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों रावण ने अपने बुरे अवगुणों के बारे में, स्त्रियों के बारे में ये बताया था, जिसे जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको ये अवगुण अपनी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।